ये एक 4G इंटरनेट बाउंडिंग राउटर है। दोस्तों अगर आप भी प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, जैसे कोई इवेंट लाइव करना है, कीर्तन लाइव करना है, जागरण है, भागवत है, इस तरह के प्रोग्राम को लाइव अगर आप करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हो, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम अच्छे अच्छे कैमरे खरीद लेते हैं, स्विचर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, लेकिन ये सारे इक्विपमेंट बेकार है जब तक आपके पास एक अच्छा इंटरनेट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास एक कमाल की डिवाइस, ये है स्टीम टेक्नो ST65। ये एक 4G इंटरनेट बाउंडिंग राउटर है जो कि आपके इंटरनेट का कितना भी पुअर नेटवर्क हो, 4-5 नेटवर्क को एक साथ बाउंड करके एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का इंटरनेट स्पीड आपको दे देती है। तो ये डिवाइस इस तरह के कैरी केस के अंदर आती है, इस तरह का ब्रीफ केस टाइप का यहाँ पर दिया गया है, जिससे आप इसे इजिली कहीं भी लेके जा सकते हो आराम से। इसे मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, दिखा देता हूं मैं आपको। तो इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, सबसे पहले यहां पर एक इस तरह की केबल दी गई है, पावर केबल मिलती है, इस तरह का यहां पर 3-पिन प्लग दिया गया है, दूसरे एंड पर इस तरह का कनेक्टर दिया गया है, और यहां पर हमें एक 19 वोल्ट 2.1 एम्पियर का एक इस तरह का एडप्टर यहां पर दिया गया है, और ये जो केबल का दूसरा कनेक्टर है ये हमारा यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये प्लग हमें लगा देना है अपने किसी भी सॉकेट में, और इसके बाद ये जो दूसरा एंड है ये हमें अपनी डिवाइस पर लगाना है। तो ये चीज़ हमें इसके साथ मिलती है। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें इसके साथ 4 इस तरह के एंटीना दिए गए हैं जो कि इसकी रेंज को अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। तो ये एंटीना भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे और निकाल लेते हैं बाहर सब चीज़ों को, और उसके बाद यहाँ पर मेन डिवाइस हमें मिल जाती है। इस मेन डिवाइस को भी बाहर निकाल लेते हैं। मैं इसे 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा था मैं इसकी, तो इसीलिए मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो ये है स्टीम टेक्नो ST65 4G इंटरनेट बॉन्डिंग राउटर। यहाँ पर आप देख रहे हो काफी बढ़िया डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरी तरह से मेटल से बनी हुई बॉडी यहाँ पर दी गई है, काफी कॉम्पैक्ट साइज है, और यहाँ पर स्टीम टेक्नो की ब्रांडिंग दी गई है, स्टीम टेक्नो ST65। यहाँ पर हमें 5-इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और नीचे की साइड यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमारे लेन के पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। यहां पर एक वैन का पोर्ट दिया गया है, 4 लेन के पोर्ट दिए गए हैं, एक USB 3.0 यहां पर दिया गया है, पावर ऑन ऑफ का स्विच यहां पर दिया गया है। यहां पर जो वैन का पोर्ट दिया गया है इसमें आप अपना केबल का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, लेन वाला कनेक्शन होता है, वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, और वो भी आपका बॉन्ड हो जाएगा इंटरनेट बॉन्डिंग में, उसका भी काम आ जाएगा। और डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो यहां पर एंटीना कनेक्ट करने के लिए पोर्ट दिए गए हैं। जो 4 एंटीना इसके साथ आए हैं वो 2 इस साइड लग जाएंगे और 2 इस साइड यहां पर लग जाएंगे। इस साइड यहां पर एयर वेंट दिए गए हैं, इसके अंदर कूलिंग के लिए फैन भी दिया गया है। पूरी तरह से मेटल की बॉडी है, और यहां पर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें 2 पावर सप्लाई के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी इसके अंदर रिडंडेंट पावर सप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। जो पावर एडाप्टर इसके साथ आया है उसे आप इस साइड कनेक्ट कर सकते हो और दूसरी साइड दूसरे एडाप्टर को भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी किसी कारणवश अगर एक सप्लाई यहां पर फेल हो जाती है तो आपका दूसरी साइड से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आपका राउटर बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। पर हमें 5-इंच का डिस्प्ले दिया गया है। ऊपर की साइड हमें इसके अंदर USB पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 6 USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का जो सिम वाला डोंगल होता है, इस तरह के आप यहाँ पर 7 डोंगल कनेक्ट कर सकते हो। 6 इस साइड कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर भी एक USB पोर्ट दिया गया है, तो 7वां आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, और 8वां आप अपनी जो लेन की केबल है उसके थ्रू भी यहाँ पर आप अपना इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने एयरटेल, वोडाफोन, जियो इस तरह के अलग अलग नेटवर्क के यहां पर इस तरह के डोंगल आपको लगा लेने हैं, तो ये डिवाइस क्या करेगी, सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके बॉन्डिंग करके आपको एक अच्छी स्पीड फाइनल रिजल्ट में दे देगी। तो मैंने यहां पर अलग से 2 डोंगल भी मंगा लिए हैं, इस तरह के डोंगल किसी भी कंपनी के आप ले सकते हो। तो मैंने फिलहाल यहां पर 2 डोंगल मंगा लिए हैं, इन्हें मैं यहां पर कनेक्ट करके देखूंगा। डिवाइस के बैक साइड में यहां पर ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसे ट्राइपॉड पर भी माउंट कर सकते हो। यहां पर इसका सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये लगभग आपको 90,000 प्लस GST
और एक साल की वारंटी के साथ मिल जाएगा। कहां से आपको परचेज करना है वो सारी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये डिवाइस काफी कॉम्पैक्ट साइज है, लाइट वेट है, इसका वेट भी करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो लगभग 500 ग्राम इसका वेट है, काफी लाइट वेट डिवाइस है और इसे आप अपने ट्राइपॉड पर भी आराम से माउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके एंटीना जो दिए गए हैं, इन एंटीना को हमें यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से आपको सिंपल ये सारे जो 4 एंटीना इसके साथ दिए गए हैं, इन्हें हमें कनेक्ट कर लेना है। और एंटीना की जिस तरह भी आपको डायरेक्शन देनी हो उस साइड आप इस तरह से इन्हें सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये ट्राइपॉड ले लिया है, इस छोटे से ट्राइपॉड पर मैं इसे माउंट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इसे टाइट कर देना है बस, के बाद इसकी केबल को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो पावर पोर्ट दिया गया है, चाहे आप इस साइड कनेक्ट करो या इस साइड कनेक्ट करो, दोनों साइड आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसमें हमें रिडंडेंट पावर सप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। अभी डिवाइस हमारी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, इसे ऑन करके देखते हैं। मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है, इसे ऑन करेंगे तो डिवाइस हमारी यहाँ ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्टीम टेक्नो 4G बाउंडिंग राउटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्ले पर इस तरह से सारी डिटेल शो होती रहती है। यहाँ पर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपकी कौन सी डिवाइस की स्पीड कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो बॉन्डिंग वाली जो स्पीड है वो हमारी फाइनल स्पीड है, और नीचे यहाँ पर आपको 7 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी 7 अलग अलग नेटवर्क जो डोंगल हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हो और उनकी अलग अलग स्पीड भी आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। तो अभी हमारा कोई भी डोंगल, कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो बॉन्डिंग वाली स्पीड भी 0 है, सारी स्पीड यहाँ पर 0 शो हो रही है। तो मैं यहाँ पर अपनी दोनों डोंगल कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों डोंगल कनेक्ट कर दी है, एक मैंने USB पोर्ट 1 पे करी है और दूसरी हमने पोर्ट 3 पे करी है। इसके मॉनिटर पे आप देखोगे सारी डिटेल, पहला वाला हमारा यहाँ शो हो रहा है एयरटेल, यहाँ पर लिख के आ रहा है एयरटेल 4G, और इसकी स्पीड आगे आपको दिखाई दे रही है, ये स्पीड हमें मिल रही है। उसके बाद 3 वाला जो है वो है जियो 4G, और उसके आगे उसकी स्पीड आ रही है। यानी यहाँ पर अगर आप 7 डोंगल लगा देते हो, अलग अलग नेटवर्क के डोंगल लगा देते हो, तो मान लो किसी की स्पीड 2 kbps है, किसी की 8 है, किसी की 10 है, किसी की 20 है, तो सबकी स्पीड को ये एक साथ मिला के यहाँ पर बॉन्डिंग करके फिर आपको फाइनल स्पीड ये डिवाइस दे देती है। तो बॉन्डिंग के जो सर्वर चार्ज हैं वो लगभग 20,000 रुपीज ईयर का होता है, एक साल का। लेकिन साथ ही साथ जब आप डिवाइस को परचेज करोगे तो आपको एक साल के लिए इसके साथ फ्री बॉन्डिंग मिलेगी। यानी डिवाइस अगर आप परचेज करते हो तो उसके बाद एक साल तक आपको इस पर कोई भी खर्चा नहीं करना है, एक साल तक आप फ्री में इसके सर्वर को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर सेटिंग का एक बटन दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको बॉन्डिंग अकाउंट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा वैन पोर्ट आ रहा है, लैन पोर्ट आ रहा है, वाईफाई आ रहा है, और यहाँ पर स्पीड टेस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप स्पीड भी चेक कर सकते हो कि आपको स्पीड यहाँ पर फाइनल कितनी मिल रही है। तो ये डिवाइस आपकी एक तरह से हॉट स्पॉट बन जाएगी। आप इसका वाईफाई ऑन कर दो, उसके बाद आप अपनी डिवाइसेस को इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, हॉट स्पॉट यानी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आप अपने मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करो या फिर आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करो वाईफाई के थ्रू, और अगर आप चाहो केबल के थ्रू कनेक्ट करना तो यहाँ पर केबल का ऑप्शन दिया गया है। 4 लैन पोर्ट दिए गए हैं, उनसे आप अपने PC को या फिर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। जो वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो वाईफाई का नाम आ रहा है, तो ये वाईफाई नाम यहाँ पर आ जाएगा, और जो पासवर्ड इसके अंदर है वो पासवर्ड हमें एंटर करना होगा, तो हमारी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, मोबाइल हमारा कनेक्ट हो जाएगा इसके हॉट स्पॉट से। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन पर जाना है और वाईफाई पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, तो आप देख रहे हो ये जो हमारा राउटर है लिप राउटर 279 यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जो पासवर्ड इसमें दिया गया है, डिवाइस के अंदर जो पासवर्ड दिया गया है वो पासवर्ड हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देख सकते हो आप लिप राउटर कनेक्ट। तो इस तरह से अब हम इस डिवाइस का, जो भी इस डिवाइस का वाईफाई है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी डिवाइस के अंदर। और जब आपको वाईफाई को ऑफ करना चाहो तो यहाँ पर अगर एक बार प्रेस कर दोगे, यहाँ से आप ऑफ भी कर सकते हो, यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हो। तो इसे बैक कर देते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है, स्पीड टेस्ट। आप कभी भी चेक कर सकते हो कि आपकी स्पीड क्या आ रही है। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, स्पीड टेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्पीड टेस्ट हो रहा है कि स्पीड अभी कितनी आ रही है। ये मेरा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है,
तो इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जो हमारा वैन पोर्ट है नीचे की साइड है, जो वैन पोर्ट दिया गया है इसके ऊपर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। देख यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो गया, यहाँ भी ग्रीन टिक हो गया, यानी इथरनेट हमारा कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रॉडबैंड भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर जो स्पीड आ रही है 89, 92, 91, 90 इस तरह की स्पीड यहाँ हमें मिल रही है। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है, साथ ही साथ पब्लिक आईपी की भी सुविधा मिल जाती है, डायनामिक डाटा स्प्लिट और एनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन, डाटा सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, यानी पूरी तरह से ये सिक्योर है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या फिर आप कहीं ऑफिस वगैरह, जो लोग कहीं ऑफिस सेट करते हैं, जैसे कहीं साइट वगैरह पे काम चल रहा है, वहाँ पर टेम्परेरी कोई ऑफिस आपको सेट करना है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप अपना पर्सनल हॉटस्पॉट बनाकर यूज़ कर सकते हो इसके वाईफाई को। स्टीम टेक्नो का ये इंटरनेट बाउंडिंग राउटर बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का राउटर है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो जहाँ इंटरनेट प्रॉपर नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो और कई सारे नेटवर्क को एक साथ बॉन्ड करके एक अच्छी इंटरनेट स्पीड प्राप्त कर सकते हो और एक प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका इस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।